गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बेसिकली कल रात को तो मैं 10:30 बजे सो गया और अभी जस्ट उठा हूँ 8:30 बजे उठ के नहा के फ्रेश हो गया हूँ। आज मैं फॉर्मल पहना हूँ क्योंकि शॉप पे बैठना है, इसलिए आज मेरा सबसे इम्पोर्टेंट काम है हॉस्पिटल जाके ये पाँव का पैर मतलब ये पाँव का दर्द मुझे ठीक करना है। मतलब वो मंडे को बोली थी, ये मंडे भी चला गया, गए मंडे को बोली थी, बट आपको भी मालूम है मेरे को उदयपुर निकलना था, इसके लिए मैं निकल नहीं पाया। तो मैं सोच रहा हूँ अभी मैं मतलब 18-19 तारीख को जाऊंगा गाँव, तब तक तो पाँव का भी ठीक हो जाएगा। मैं बोला आज 1 बजे जाता हूँ, छोटा सा सर्जरी है वो करा देता हूँ, क्योंकि ना जैसे रात होती है ना तो मेरे को ना मतलब बहुत पेन होने लगता है रात में कैसा ठंड हो जाती है, तो इसके लिए वो पाँव पकड़ लेता पूरा। अभी टाइम हो रहा है 1 और मैं अभी जस्ट हॉस्पिटल से आया, तो वो लोग बोलते हैं कि कल आना 1 बजे। कल 1 बजे आके वो मेरा पाँव का जो भी कॉर्न है पूरा निकाल देंगे पाँव सुन करके। तो मैं बोला ठीक है कल आ जाता हूँ, अभी मैं घर पे जा रहा हूँ खाना खाने। अभी टाइम हो रहा है 5:00 और मैं मतलब 2 बजे सोया था, मैं बोला आधा घंटा सो जाता हूँ, मगर ये भाई साहब ने उठाया मेरे को 3:30 बजे। तो मेरा उठ के बाद में देखा तो एक और ऑर्डर आया तो वो ऑर्डर ही कम्प्लीट कर रहे, वो अंदर कम्प्लीट कर रहे, वो लोग मोल्डिंग कर रहे हैं अभी अंदर, वो मोल्डिंग करके कल डिलीवरी कर देंगे। और कुछ नहीं, बस यहाँ पर बैठे दुकान में और क्या करें। मतलब अभी वो मोल्डिंग कर रहे हैं तो वो पूरा धूल उड़ता है ना, इसके लिए मैं लैपटॉप खोल के इधर एडिटिंग नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो अभी एडिटिंग करता बैठता हूँ मैं। बोला अभी ज़्यादा नहीं, आधा घंटा लगेगा तो आधा घंटा ऐसे ही बैठता हूँ यहाँ पे, फिर एडिटिंग करने बैठता हूँ। तो आज है 7th of January। तो बेसिकली मैंने 2-3 दिन से मतलब ज्यादा व्लॉग नहीं किया था, सिर्फ थोड़ा थोड़ा शूट किया था, जो कि आप पहले वाले व्लॉग में देख लिए होंगे, क्योंकि मेरा मूड ऑफ था 3-4 दिन से, जो कि 5 तारीख को मुझे निकलना था ना उदयपुर के लिए, तो नहीं निकल पाया। तो भाई साहब अपना सब काम हो चुका है, मतलब दुकान में जो भी काम रहता है आने के बाद, दुकान खोलने के बाद जो भी काम रहता है, पूजा वूजा करना, साफ सफाई करना, सब काम हो चुका है। बस अभी वो अपना काम कर रहा है अंदर मोल्डिंग का, और हम अपना काम करेंगे एडिटिंग का। एडिट तो मैंने सोचा कि बाद में करूंगा, बट अभी कैसा है कि मेरे शॉप में जो मटेरियल नहीं था वो अभी दूसरे शॉप में जा रहा हूँ मटेरियल लेने के लिए। तो भाई ज़्यादा दूर नहीं है, सोनापुर में ही है, सोनापुर से लेके फिर हम आ जाएंगे अपने शॉप पर, बाद में हम बैठेंगे एडिटिंग पर। अभी यहाँ पर आवाज़ ज़्यादा है, इसके लिए मैं ज़्यादा ब्लॉग नहीं करूँगा, क्योंकि अभी देखा वो मटेरियल लेके आने के बाद हमारे पास ये अभी कटिंग करना है ये मार्बल, और कुछ काम नहीं है। बस वो घर आके चिर कर रहा था, मैं बोला अरे रुक जाओ 5 मिनट काट दूंगा, काटने के लिए बस 5 मिनट ही लगता है। यहाँ पर हमारे संजय भाई 12 इंच कर रहे, संजय 12 इंच करके बाद में चेंज करेगा ना, 12 इंच हो गया, अभी 6 इंच लगा। हाँ तो भाई साहब अपना सब काम हो चुका है, मारो मारो सब कटिंग हो चुका है, ये हंस रहा है खाली पकड़, हंसता क्या रे, पकड़ रहा बोलता क्या कर रहा है। अभी मैं जा रहा हूँ, आज का जो वीडियो है अपलोड करना है, मतलब आज की तारीख का एक वीडियो अपलोड करना है जो मैं अपलोड करूँगा। यहाँ पर पनीर भाई बैठे, और पनीर भाई हमारे ऐसे मित्र है जो हमारे दुकान पर आते रहते, तो जाते यहाँ पर बैठ के हमारे कंपनी देते रहते हमको, क्या बोलते पनीर भाई। यहाँ पर मैंने अपलोड पे रख दिया है और टाइम बता रहा है 12 मिनट में ये सब अपलोड हो जाएगा, मैंने सब थंबनेल टैग वो सब डाल दिया हूँ, बस अभी इसका वेट कर रहा हूँ बाद में पब्लिश। और ये अपना हो गया है अपलोड, मतलब अपलोड तो हो गया है, बस मेरे को पब्लिश करना बाकी है। वर्सेबिलिटी पब्लिक थंबनेल क्या रखो, ये रखता हूँ मिस्टर डीआर के साथ। नेक्स्ट प्लीज। तो भाई साहब 1 तारीख को मेरा ब्लॉग आया, 2 को आया, 3 को आया, 3 को एक और डाला, बट 4 को क्यों नहीं आया, क्योंकि 4 को मुझे थोड़ा ज्यादा काम था, इसके लिए 4 को मैं अपलोड नहीं कर पाया। इसके लिए 5 को ही रात को 12 बजे एक अपलोड किया, बाद में 5 तारीख को एक और अपलोड किया, मतलब मेरा जो 365 ब्लॉग है तो वो पूरा हो रहा है। अभी टाइम हो रहा है 12:37 और कुछ अभी काम नहीं है, अभी मैं घर पे जाता हूँ खाना खाता हूँ, क्योंकि 1 बजे जो हॉस्पिटल जाना था वो मेरा पाँव को दिखाने के लिए, वो बोली कि आज निकाल देंगे सर्जरी करके, बट अभी काम इतना है यहाँ पर, तो मैं सोच रहा हूँ कि कल चले जाऊँ, क्योंकि 12 तारीख को भी शूट है, तो उन्होंने बोला कि 1 हफ्ता तुमको बेड रेस्ट लेना पड़ेगा, मतलब चलना नहीं पड़ेगा। तो अभी मैं वही सोच रहा हूँ 12 तारीख को जो शूट है उसका क्या करूँ। अब मिस्टर डीआर आने वाले हैं यहाँ पर शॉप पर, तो उनका ही शूट है, तो हम उनसे डिस्कस करेंगे थोड़ा। ए मिस्टर डीआर, क्या रे लंगूर, लंगड़ के क्यों चल रहा है, 3 बजे आने वाला था, 4 बज रहे, शक्ल दिखा, रह गया लेना
अभी 4 बज रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं कहीं थाने, थोड़ा छोटा सा काम है। भाई साहब बैग वैग लेके आए सब, मतलब ज्यादा ही कुछ उठाने वाला लगता है। पूरा बैग भर के उठाने वाला है क्या? हाँ सही भाई। तो मिस्टर डीआर आए हैं हमारे स्टूडियो पर, तो हम यहाँ पर मतलब हार्ड ड्राइव देने आया था मेरे को, और ये निकल रहा है। अभी टाइम हो रहा है 7, मुझे जाना था डॉक्टर के पास 6:30 बजे, बट मैंने उनको फोन करके बोला कि मैं 7 बजे तक आता हूँ, क्योंकि इनके साथ थोड़ा मीटिंग चालू था। और मिस्टर डीआर, यस हाय, क्या वीडियो नहीं दिया है भाई अभी तक, क्या करने का? ये हार्ड डिस्क तेरे को दे दिया ना, ले ले वीडियो। हाँ हार्ड डिस्क ही पूरा तेरे को दे दिया। 1 घंटे मेरे को भी छोड़ दे हॉस्पिटल। थोड़ा सा नर्वस हूँ क्योंकि लाइफ का पहला ऐसा मतलब पाँव सूट करके कर रहे हैं ना, डर लग रहा है थोड़ा। मैंने अपने भाई को भी बुला लियो यहाँ पे ताकि थोड़ा साथ में हिम्मत रहे, क्योंकि अभी थोड़ी डर लग रहा है। अभी वो फोन वोन लेके गया थोड़ा इसमें से फोन वोन लेके गया, क्या मालूम टेस्ट पे सी टी ए पी टी ए कुछ कर रहे। आखिरकार वो दिन आ गया। वो मेरे को बोलती है कि कुछ खा के आया है कि नहीं, मैं बोला नहीं आया, तो बोलता है ठीक है थोड़ा टाइम 15-20 मिनट में कुछ खा के आ जाओ। अरे भाई आराम से भाई, चलो 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 कबड्डी कबड्डी, यहाँ पे कबड्डी कबड्डी खेलना पड़ता है। तो भाई साहब मेरा मतलब छोटा सा ऑपरेशन हो चुका है, मेरा जो खिल्ला लगा था मतलब कुछ तो लगा था, तो उसके ऊपर है ना मैंने कॉर्न कैप लगाया, तो उसकी वजह से बहुत बढ़ गया, तो इतना जाड़ा निकला, इतना जाड़ा। अच्छा हुआ टाइम पे निकाल दिया, नहीं तो वो बोल रही छोटी मुंडी भी काटनी पड़ती, आ जाएगी। तो भाई साहब मैं आ चुका हूँ अपने घर, और देखा जाए तो पाँव मतलब अभी पाँव में दर्द नहीं है, क्योंकि वो उसने ना उतना पार्ट इंजेक्शन से सुन करके रखा था ना, तो इसके लिए अभी दर्द नहीं हो रहा है। बट उसने बोला था 3-4 घंटे के बाद वो सुन जैसे हटेगा तो पेन चालू होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी मतलब इतना मन में लग रहा नहीं है, क्योंकि पूरा स्किन निकाला है उसने, इतना खट्टा भी किया है। जब ये सूंघ हट जाएगा तब मेरी फटने चालू हो जाएगी, मतलब करीबन रात को 2-3 बजे मेरे को पेन चालू हो जाएगा। बट कोई नहीं, उसने मेरे को ये दवाई दी है, तो उसने बोला पेन जब चालू हो जाएगा तो तब ये दवाई ले लेना, तो पेन थोड़ा कम हो जाएगा। मगर पेन फिर से ज़्यादा हो गया तो फिर से ये दवाई ले लेना, तो पेन कम हो जाएगा। और बस अभी सोने की तैयारी, बस और कुछ नहीं। चलो अगर ये वीडियो किसी भी कारण अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना मत बोलना, क्योंकि उससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। एंड बस और कुछ नहीं, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग पर। टिल देन आप अपना ख्याल रखना, बाय बाय, सी या, और क्या बोलूँ।